एसएसपी अजय कुमार के निर्देशन में इस उजीब थाना शिकोहाबाद पुलिस की बड़ी सफलता। चार शराब तस्कर तस्करी हेतु प्रयोग, चार वाहन व अवैध शराब सहित गिरफ्तार। सीओ शिकोहाबाद राजवीर सिंह ने दी खुलासे को लेकर विस्तृत जानकारी। फिरोजाबाद एसएसपी अजय कुमार के निर्देशन में एसपी ग्रामीण एवं सीओ शिकोहाबाद के सफल पर्यवेक्षण में इस उजीब थाना शिकोहाबाद पुलिस ने द्वारा संयुक्त रूप से चार शराब तस्कर तस्करी हेतु प्रयोग, चार वाहन व अवैध शराब सहित गिरफ्तार किए गए। बताया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में करनी थी अवैध शराब की खपत। इस संबंध में सीओ शिकोहाबाद राजवीर सिंह ने बताया कि 17 अप्रैल 2021 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि हरियाणा राज्य से तस्करी कर छोटी छोटी कई गाड़ियों में भरकर अवैध शराब जनपद में लाई जा रही है। गाड़ियों के आगे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से चलता रहता है, जिसको लेकर इस सुजीव थाना शिकोहाबाद पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल से आगे चल रहे व्यक्ति को मैं मोटरसाइकिल भूडा नहर के पास से दबोच लिया, जिसके द्वारा बताया गया कि पीछे तीन छोटी छोटी गाड़ियां आ रही हैं, जिनमें हरियाणा की शराब है। तदुपरांत पीछे आ रही वैगनार स्विफ्ट वाइटियोस गाड़ियों को पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनमें अवैध शराब भरी हुई थी। गाड़ियों व मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति सहित चार व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम क्रांतिवीर सिंह। 17 तारीख को रात्रि लगभग 2300 बजे एसओजी टीम और हमारी थाना शिकोहाबाद पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध शराब की तस्करी कर ले जा रहे हैं, जिसमें एसओजी टीम, एसओजी प्रभारी कुलदीप और हमारे एसएचओ शिकोहाबाद के नेतृत्व में उनको घेराबंदी की गई। बूढ़ा नहर पर तीन गाड़ी और एक मोटरसाइकिल से शराब ले जा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें हरियाणा ब्रांड की 1000 पौवे देशी शराब हरियाणा 183 लीटर एक अदर वैगनार एक सिटीओस एक और मोटरसाइकिल एक बरामद की, जिसमें चार अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनका जो सरगना है शांतिवीर पुत्र टिंकू है। एक अभियुक्त भागने में कामयाब हुआ, भीम पुत्र नामालूम। ये लोग कहाँ से खा ले जा रहे थे? ये हरियाणा ब्रांड की शराब की मतलब तस्करी, जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसी में इस्तेमाल करने के लिए ले जा रहे थे। बाकी पूछताछ की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे।